फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। अप्रैल का मंथ जो है अभी ख़त्म होने ही वाला है फ्रेंड, तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट्स होते हैं सबकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से अभी हो रही है, तो इस समय का टाइम जो है बेस्ट है। आप चाहे तो अपने ढेरों हैंगिंग प्लांटर इस समय बना सकते हैं फ्री में, और चाहे तो इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड। इस समय हम कटिंग कर करके या फिर डिवाइड कर करके इस तरह से ढेरों हैंगिंग प्लांटर जो है अभी फ्री में बना सकते हैं, क्योंकि इनमें अभी ग्रोथ का टाइम है फ्रेंड, और ये बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट भी हो जाएंगे। इस साइड मैं अपने मनी प्लांट के हैंगिंग प्लांटर्स को इसमें रिपोर्ट करने वाली हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ढेर सारे होल्स जो है वो कर लिए हैं, जो कि करना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं इस तरह के पतले जो बैग वाले कपड़े आते हैं उसे हमने इसे नीचे रख दिया है फ्रेंड, इसे होल्स को कवर कर दिया है। मैं अपने हैंगिंग प्लांटर्स को बिल्कुल लाइट वेट बनाना है फ्रेंड, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके नीचे आपको ज़्यादातर इस तरह से सूखे हुए पत्ते, आप देख सकते हैं मैंने ढेरों इस तरह से सूखे हुए पत्ते जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं, और ये सूखे पत्ते ही मैं इसके नीचे जो है वो इसकी एक अच्छी खासी लेयर जो है इसके नीचे मैं डालने वाली हूँ इस तरह से। दोनों पॉट्स के नीचे हमने अच्छी खासी मात्रा में सूखे पत्ते जो है वो डाल दिए फ्रेंड, इससे हमारे जो पॉट्स हैं वो लाइट वेट बनेंगे बिल्कुल। अब इसके लिए हम एक अच्छी सी मिट्टी जो है वो रेडी कर लेते हैं। मिट्टी को रेडी करने के लिए हमने ज़्यादातर इसमें से गोबर की खाद ही ली है फ्रेंड, ये देखिए ये बहुत ही पुरानी गोबर की खाद है, और इसमें थोड़ा सा हमने मिट्टी भी नॉर्मल मिट्टी जो है वो मिक्स किया है, और अब हम देख सकते हैं इसमें हम सैंड भी मिलाएंगे। इसमें हमने ज़्यादातर गोबर की खाद ही ऐड की है, इससे हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होगी और मिट्टी भी बिल्कुल हल्की बन के रेडी होगी। कि मिट्टी हमारी रेडी हो गई है, अब हम दोनों पॉट्स में इस तरह से जो नीचे सूखे पत्ते हमने डाले थे इसके ऊपर हम इस तरह से मिट्टी की एक लेयर जो है वो डाल देते हैं। हैं कि दोनों पॉट्स में हमने मिट्टी इस तरह अच्छे से भर दी है, नीचे ढेर सारे सूखे पत्ते भी डाले हैं, और दो पॉट्स मैंने रेडी किए हैं, तो दो प्लांट्स को मैं इसमें रिपोर्ट करने वाली हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए मैं मनी प्लांट को भी इसमें रिपोर्ट कर दूँगी। क्या है हमारा मनी प्लांट जो कि हमने इस पॉट से निकाल दिया फ्रेंड बहुत ही अच्छे से, और देखिए इसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मैं इसे डायरेक्ट इसी जो पॉट हमने रेडी किया है इसी में डाल दूँगी। मनी प्लांट को बहुत ही अच्छे से इस पॉट में शिफ्ट कर दिया फ्रेंड, और थोड़ी सी मिट्टी इसके साइड साइड में हम इस तरह से डाल देते हैं, तो हमने प्लांट को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, इससे प्लांट जो है हमारा शॉक में नहीं आएगा, और बहुत ही जल्दी हमारा जो प्लांट है इसमें नए पॉट में सेट हो जाएगा। हमारा मनी प्लांट का लाइट वेट वाला पॉट जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम दूसरे पॉट में भी अपने हैंगिंग प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेते हैं फ्रेंड। मैं अपने ये टेंगल हट को रिपोर्ट करने वाली हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है मैंने इसे कटिंग से ही लगाया फ्रेंड, और कुछ दिनों पहले इसकी कटिंग जो है वो रेडी की थी, तो अभी टेंगल हट में ग्रोथ का टाइम है फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है ग्रोथ कर रहा है आप देख सकते हैं, और इसकी तो कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, बस इस प्लांट को आपको पिंच करना है इस तरह से और मिट्टी में रख देंगे तो इसमें रूट जो है उस तरह से बहुत ही जल्दी बनने लग जाती है। तो इस प्लांट को मैं अच्छे से इसमें से निकाल कर इस पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। टेंगल हट को भी हमने इस पॉट में इस तरह से निकाल के अच्छे से शिफ्ट कर दिया फ्रेंड, और ये देखिए कुछ ही दिनों में जो हमारा प्लांट है अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा, और जब ये लटकेंगे तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। जो मनी प्लांट और टेंगल हट का हैंगिंग प्लांटर हो गया फ्रेंड, और अभी आप किसी भी प्लांट के हैंगिंग प्लांटर जो है बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से स्नेक प्लांट में छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है निकल रहे हैं, तो इसे सेपरेट करके आप अभी फ्री में स्नेक प्लांट का हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए यह है पर्पल हट, तो पर्पल हट को भी आप इस तरह से कटिंग करके या फिर डिवाइड करके अभी इसके हैंगिंग प्लांटर रेडी कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये तो टेंगल हट का है, और देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट तो हैंगिंग प्लांटर्स में बेस्ट है फ्रेंड, कि स्पाइडर प्लांट में इस तरह से छोटे छोटे इसके जो बेबी प्लांट है वो निकलते रहते हैं अभी, तो इन्हें आप सेपरेट करके अलग किसी भी पॉट में लगा देंगे तो अभी बहुत ही जल्दी आपका स्पाइडर प्लांट जो है वो इसका हैंगिंग प्लांटर जो है फ्री में रेडी हो जाएगा। तो अभी हैंगिंग प्लांटर जो है काफ़ी सुंदर लगता है, तो इस समय आप रियो के भी हैंगिंग प्लांटर जो है फ्री में इसे डिवाइड करके इसके नए प्लांटर जो है बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो पॉट हमारा खाली हो गया था इसमें मैंने ये वाले जो सिंपल वाली स्नेक प्लांट की जो वैरायटी है ग्रीन वाली, ये भी डॉफ वाली है फ्रेंड, तो ये भी हैंगिंग प्लांटर्स में काफ़ी सुंदर लगेगी, तो मैंने इस पॉट में से इसे बहुत ही अच्छे से इस तरह से निकाल लिया फ्रेंड, और इसी में मैं इसे शिफ्ट करने वाली हूँ। ये अब मैं फाइनली आपको अपने सारे हैंगिंग प्लांटर जो है दिखा देती हूँ फ्रेंड, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ, जो जिसे कि मैंने अधिकतर कबाड़ में ही बनाकर लगाया है फ्रेंड। और देख सकते हैं मैंने इस पॉट में भी स्नेक प्लांट की ये वाली वैरायटी जो लगा दी है, और इसमें तो मैंने ये जो येलो बॉर्डर वाली उसे लगाया है, और ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये हैंगिंग प्लांटर्स में। और इसके नीचे भी मेरे कुछ हैंगिंग प्लांटर्स हैं, वांडरिंग जू के हैंगिंग प्लांटर्स हैं इस तरह से, ये भी कबाड़ में ही लगे हुए, इधर मनी प्लांट है,